नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के दिन हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन सी चीज़ दान करने से महादान लगता है। तो दोस्तों, जानिए कौन सी वे चीज़ें हैं जिनका अगर हम दान करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि निर्जला एकादशी जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, और इस दिन किए गए दान पुण्य, व्रत, पूजा और आराधना का फल 100 गुना मिलता है। तो 2023 में महा एकादशी का पर्व किस दिन है, साथ ही इसका शुभ मुहूर्त क्या है, निर्जला एकादशी में किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि किस प्रकार होती है, साथ ही निर्जला एकादशी वाले दिन ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिनको अगर हम दान करते हैं तो हमारे सभी जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, और साथ ही ये व्रत करके हम अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं, तो और एक साल की सभी एकादशियों का फल एक बार में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी समस्या का समाधान किया हमारे बागेश्वर धाम सरकार के गुरुदेव पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने। उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि एकादशी वाले दिन केवल यह 100 रुपये की चीज़ अगर आप दान कर देते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी एकादशियों के व्रत का फल भी आपको मिलता रहता है। तो जानिए आखिर कौन सी वह ऐसी चीज़ है जिसे बागेश्वर धाम सरकार ने दान करने के लिए बोला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप साल की सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हैं और नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ माह में आने वाले निर्जला एकादशी का व्रत आपको ना केवल दीर्घायु दे सकता है बल्कि मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। इस एकादशी का व्रत साल के सभी व्रतों में काफ़ी हद तक कठिन होता है, क्योंकि ये व्रत निर्जल यानी बिना पानी पिए रखा जाता है, और मान्यता ये है कि इस व्रत को रख लेता है तो उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिल जाते हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह में एकादशी तिथि 30 मई दोपहर 1:07 पर शुरू हो जाएगी और 31 मई दोपहर 1:45 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो इस बार निर्जला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है, जो कि 31 मई को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों का व्रत का पालन 1 जून सुबह 5:24 से लेकर 8:10 तक करने की सलाह दी गई है। एकादशी व्रत के महत्व के बारे में अगर बात की जाए तो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सभी को बिना जल पिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो भी ऐसा करता है उन्हें साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल में एक साथ मिल जाता है। शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि 5 पांडव में से सबसे शक्तिशाली भीम ने केवल इसी एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन भूख और प्यास की वजह से वह मूर्छित हो गया था, और यही कारण है कि इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी का बताया हुआ एकादशी का पूजन और विधि भी आपको बता देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसे तो हमें सभी को रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं वह कोशिश करें कि निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दे, और इस दिन सभी को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ जो लोग व्रत रहने वाले हैं उन्हें नारायण के सामने व्रत का संकल्प भी करना चाहिए, भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करने चाहिए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी को तोड़ना महापाप माना जाता है, इसलिए आप एकादशी के से पहले ही तुलसी तोड़कर अपने पास रख ले। एकादशी वाले दिन ना तो तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए साथ ही, और ना ही तुलसी माता को स्पर्श करना चाहिए। इस दिन नारायण और लक्ष्मी के साथ में पूजा होती है, इसलिए सभी को लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो सूरज ढलने तक जल त्याग कर देना चाहिए। इसी के साथ इस व्रत में अन्न ग्रहण, फलाहार भी नहीं किया जाता है। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान आदि करने के बाद नारायण का पूजन करें, उसी के बाद जल और अन्न ग्रहण करके व्रत का पालन किया जाता है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी सरकार ने निर्जला एकादशी को कौन सी खास वस्तु दान करने की सलाह अपने भक्तों को दी है। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को निर्जला एकादशी का महत्व बताया, उनसे एकादशी व्रत रखने को कहा,
महर्षि वेदव्यास ने बताया कि निर्जला एकादशी की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। और इस दिन जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा दान धर्म और हवन पूजन करता है उसे कभी न खत्म होने वाला पुण्य वैभव और ऐश्वर्य का फल मिलता है और अपने अगले जन्म के सभी जन्मों को वह सुधार लेता है, साथ ही एकादशी का पुण्य फल भी प्राप्त करता है। इस दिन जल का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है और इस समय वातावरण में भयंकर गर्मी होती है। सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ धरती पर उष्णता देता है, इसलिए जो वस्तु तासीर में शीतलता प्रदान करती है अगर ऐसी वस्तुओं का दान किया जाए तो वह सबसे ज़्यादा पुण्य माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन छाता, वस्त्र और जूते दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आप मरने के बाद सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक जाएंगे। इसी के साथ निर्जला एकादशी पर जो व्यक्ति गर्मी से बचने वाली वस्तुओं जैसे कपड़े आदि का दान करता है उन्हें स्वर्ग लोक में जाकर सब प्रकार से सजे हुए वस्त्र और आभूषण पहनने को मिलते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी के वाले दिन खीरा, ककड़ी, खरबूजा दान करने वाले व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और साथ ही लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होता है। इसी के साथ जो लोग इस दिन जल का दान करते हैं, गरीब लोगों को मीठा और ठंडा शरबत पिलाते हैं तो ऐसे लोगों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और हज़ार अक्षमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन गाय की सेवा करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस दिन शास्त्रों के अनुसार गाय को बिना नमक की रोटी गुड़ के साथ खिलाना चाहिए और ऐसा करने से इंसान को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसे धन दौलत और ऐश्वर्य मिलता है। इसी के साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और विस्तर दान करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो लोग इस दिन पशु पक्षियों को दाना पानी डालते हैं वो गर्मी से रक्षा करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं होता है और उन्हें अपार सफलता मिलती है। गुरुजी ने निर्जला एकादशी वाले दिन अपने सभी भक्तों को 100 रुपये की एक ऐसी चीज़ दान करने का भी विधान बताया है जिसे अगर आप कर लेते तो आपका परिवार सुख समृद्धि से भर जाता है और आपका गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है। तो गुरुजी ने बताई गई 100 रुपये की वह चीज़ है मिट्टी का गड़ा। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन अगर आप एक मिट्टी का गड़ा लेकर उसमें पानी या मीठा शरबत भरकर दान करते हैं तो ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी दान करें उसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से ही दान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।